सो फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा। तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हम भी सब ठीक हैं। तो आज मैं ले चली थी आप सभी लोगों को अपने प्याज के जो है खेत में। प्याज मेरी इतनी प्यारी सी हरी भरी हरियाली भरी हो गई है, और आप जिनके यहाँ भी हरी सब्जी नहीं हो रही है प्याज के पत्ते ले जा सकते हैं मेरे खेत से। तो बीच में मेड़ में मैंने जो है राजमा लगाई थी। आज कैमरामैन भी मेरे साथ में थे और तरह तरह की जो है वीडियोएं बना रहे थे, पता नहीं क्या कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बना रहे थे। तो थोड़ा बहुत काम था खेत में क्योंकि पानी लगाना था, वो तो मैंने लगाया नहीं आज, लेकिन जो मिट्टी मेड़ों से बह जाती है ना सिंचाई करते टाइम दिक्कत होती है, तो उसको सबको मुझे ठीक करना था। तो मैं चली गई थी सुबह सुबह आज खेत की तरफ। ये सब काम ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा जो है धूप भी आप आजकल बहुत अच्छी अच्छी सी खिलने लगी है सुबह सुबह। दोपहर को तो बहुत तेज़ धूप हो रही है अभी गोलापार में। और इसके बाद जो है थोड़ा बहुत मैंने घास बनाया अपनी गैया मैया के लिए, क्योंकि घास जो है प्याज के ऊपर आ रही थी तो उसको काटना मैंने ठीक समझा। और साथ साथ में मैं जो है घास भी काट के ले आई घर की तरफ। और जो है इसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और आज गर्मी थोड़ी थोड़ी होने लगी है ना, तो दोपहर के खाने में गर्मा गर्म मैंने टमाटर की चटनी बनाने की सोची। तो इस तरीके से कुछ खास नहीं, 7-8 टमाटरों को कद्दूकस करके 6-7 लहसुन की कलियां और थोड़ी सी हरी पत्ता मेथी का तड़का लगा के, वाह क्या सब्जी बनती है। पानी उबाल कर रख लिया था अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद, कि जब तले मैंने दिखाया था ना, जब थोड़ा सा तले लगने लगता है तो वाह क्या टेस्ट आता है, इतना अच्छा टेस्ट आता है। और चटनी बनाने के लिए हमें टमाटर का भी ना ध्यान रखना होता है। टमाटर भी जैसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जो आजकल गोलापार में से 2 तरह के टमाटर होते हैं। एक तो सलाद का होता है और एक होता है गोल चपटा टमाटर, जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो टमाटर की जो चटनी बनाने के लिए ये गोल टमाटर होता है ना, ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। और ये देखिए क्या मस्त मेरी जो है टमाटर की चटनी बन गई थी, गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए और आनंद लीजिए धनिया पत्ते के साथ, वाह क्या बात है। तो मस्त बन गई थी मेरी जो है टमाटर की चटनी। और थोड़ी सी गर्मी का मौसम आता है तो ना इससे खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो ये हैं आजकल की गोलापार की खूबसूरत सी हरियाली भरी वादियाँ, जिन्हें मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहती हूँ। तो आजकल कुछ नज़ारे ही अलग हैं, बहुत ही प्यारे से नज़ारे यहाँ गोलापार की, चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली। और ये देखिए मेरे बगल वाले खेत में जो है टमाटर का खेत था, टमाटर ख़त्म होने आए तो इस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर मटर और चने लगा दिए हैं। बड़ी ही प्यारी सी फसल इनकी तैयार हो रही है। टमाटर ख़त्म हो गए हैं तो इसके बाद मटर इनकी शुरू हो जाएगी और चने। इसके बाद फटाफट से घास वगैरह काटा और गैया मैया के लिए कुट्टी बनाने लगी। कुट्टी का काम भी ख़त्म करने के बाद इसके बाद राम प्यारी को उठाया और तीनों की तिकड़ी जल्दी घूमने के लिए, क्योंकि आज था फ्राइडे, हमें जाना था फ्राइडे मार्केट क्योंकि सब्जी दालें वगैरह लेनी थी। तो शाम के टाइम में मौसम भी थोड़ा सा धुंधला सा हो रहा था, ठंडा हो रहा था। सुबह शाम तो अभी वो हल्की ठंड है गोलाकार में, लेकिन दोपहर को जो है काफ़ी 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 धूप होने लगी है। तो हम लोग पहुँच गए थे SK मार्केट पे, जो यहीं पर गोलापार में ही कोरपुर चौराहे पे लगती है हर फ्राइडे। तो ये है हल्की सी छोटी मोटी सी जो है SK मार्केट। दालें सब्जियां जंक फूड वगैरह जो भी है वो मिल जाते हैं सभी सामान यहाँ पे। तो हम लोगों ने सामान लिया, बस आज के ब्लॉग में भी इतना ही था। फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।